हेलो गाइस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या फील कर पा रहे हैं वो इस वक्त। सो लेट्स पिक सम कार्ड, उनके बारे में सोचिए, फोकस करिए उनके ऊपर। ओके, तो पहला कार्ड है ये, वाओ। सो आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस वक्त आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी फिजिकल इमोशनल दूरियां हैं उनको मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है सॉलिट्यूड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन इस वक्त अपना वक्त ले रहे हैं, दूर रहकर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, जो उनकी गलतियां हैं या जो उन्होंने गलत किया है सिचुएशन में उसके ऊपर सोच रहे हैं, और ये यूनियन होने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उनको वो अकेले में सोच रहे हैं। सो अकेले अपना वक्त ले रहे हैं, ठीक है। वाओ, तो ये पर्सन आपके साथ सच में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये दोनों कार्ड्स जैसे आप देख सकते हो, एक प्यार की नई शुरुआत, जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं और ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं, इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है आपसे दूर रहना, क्योंकि उन्हें एक अलग लेवल का कनेक्ट फील होता है आपके साथ जो उन्हें शायद ही किसी के साथ फील होता है। तो दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, यहाँ पे है एक्सेलरेटेड मोशन, तो इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है। अभी तक ये अगर चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो ले रहे थे कि देखे देखा जाएगा, जब आएगा वक्त तो देख लेंगे, बट अब इनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा हो गया है कि जो करना है जल्दी करना है। अब इनके इमोशंस भी इनके हाथ में नहीं रहे, क्योंकि वो चाहते हैं यूनियन, प्यार शुरू करना चाहते हैं, वक्त ज़रूर ले लें, लेकिन यही सोचने के लिए कि कैसे चीज़ों को फास्टली आगे बढ़ाया जाए। तो ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। यहाँ पे नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 9 है और नंबर 8 है। ये नंबर्स या ये मंथ्स डेट्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स मैंने ले आउट किए हैं शफल करके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त करंटली आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला कार्ड होगा ये, तो ये कार्ड है एम्प्रेस का। वाओ, बहुत ही हाई लेवल का अट्रैक्शन दिख रहा है इनके अंदर आपको लेकर, काफ़ी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी वैल्यू आपकी उनके नज़र में बढ़ चुकी है। सो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है इनके अंदर। टॉरस एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर आपके लिए पैशन बढ़ रहा है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने अपनी कोई फ़ोटो कहीं पे अपलोड करी हो, किसी ब्यूटीफुल से ड्रेस में, या आपकी आंखें या हेयर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये पर्सन बस आपका फ़ोटो देखे जा रहे हैं, और उसके बाद इस पर्सन का मुझे लगता है कि जैसे दिल रुक सा गया है, एंड बहुत अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये, जो है 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है इसी पर्सन ने दूर जाने का फैसला लिया था पास्ट में, और मुझे लगता है अब वो पछता रहे हैं दूर जाकर, क्योंकि उनके इमोशंस और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार था वो उस प्यार को छोड़कर या उस प्यार को निगलेक्ट कर कर मैं चला गया कहीं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे इस पर्सन के अंदर, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये किसी किसी के लिए ये ऐसा दिखा रहे हैं आपको कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इनका पूरा ध्यान आप पे है, इनके पूरे इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं, और उनको पता है कि जितना प्यार आप दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे सी, अगेन सेम एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन समझ चुके हैं कि वो कितना ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे ये जो कनेक्शन है उसमें एक जुनून है, एक अलग ही लेवल का, आपने ऐसा फील, ऐसा पैशन या ऐसा जुनून किसी भी कनेक्शन में इसके पहले फील नहीं किया होगा। आप दोनों बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे से, आप दोनों ही एक दूसरे को हर लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एंड इस वक्त ये पर्सन बिल्कुल आपसे अपना मन नहीं हटा पा रहे, बिल्कुल ये आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे, या आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं,
सी अगेन द सेम फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट. ये पर्सन डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है अपने डिसीजन से, क्योंकि आपके प्यार को तब इस पर्सन ने नहीं समझा और अब जब आपसे दूर हो गए हैं, आप इस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, यू नो, अपने एबंडेंस पे फोकस कर रहे हो, तब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है. हो सकता है इन्होंने किसी और टॉक्सिक रिश्ते के लिए आपको डिसअपॉइंट कर दिया था पास में, एंड अब सेम फीलिंग्स ये पर्सन फील कर पा रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं उन चीज़ों पर जो इन्होंने गलत करी है. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है इस वक्त, बिल्कुल भी खुश नहीं है. कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हो या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. ओके, एंड आखिरी मैसेज देखते हैं. सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड. काफ़ी लोग यहाँ पे एक कार्मिक ट्विन रिलेशनशिप में है. हो सकता है आप कार्मिक ट्विन्स हो, कोई कार्मिक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, बट ट्विन फ्लेम्स हो आप दोनों, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही इनको खींच रहा है अपने तरफ. ये बिल्कुल भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे अभी, क्या ये कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे आपको, ठीक है. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ये जो कार्मिक जो सिचुएशन ख़राब चल रही है ना आप दोनों के बीच में, ये कार्मिक सिचुएशन की वजह से हो रहा है. सो जो भी हो रहा है टेम्पररी है. जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी और आपको अनकंडीशनल प्यार मिलेगा इस पर्सन से. सो ना वो आपको भूल पा रहा है, ना वो आपको कभी भूल पाएंगे. सो टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि दे लव यू. बहुत ही ज़्यादा प्यार है इस पर्सन का आपको लेकर. सो किसी भी बात की चिंता मत करिए आप, ठीक है. चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं. चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको. सबसे पहला कार्ड होगा ये. तो आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं. तो अनकंडीशनल प्यार चाहते हैं आपका. नेक्स्ट है यहाँ पे, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी. ये तो मैंने अभी जस्ट रीडिंग के दौरान ही आपको बोला. ऐसी एनर्जी मुझे भी फील हुई आपके पर्सन की, जहाँ पे वो खुद आपसे दूर जाकर अब पछता रहे हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे, तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना. तो लिटरली ये पर्सन की लाइफ आपके बिना बहुत ही ख़राब हो चुकी है. एंड आखिरी मैसेज है तुम्हारा, किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं. तो बहुत ही इनसिक्योर है ये पर्सन और इनको लगता है आप किसी से बात कर रहे हो. जब वो आपसे बात नहीं कर रहे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. तो दैट वॉज इट. कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना. अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा.